बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बहुत ही झटपट और छोटी सी रेसिपी लेके आई हूं और ये ऐसी रेसिपी है कि इसके बगैर आपकी खाने की टेबल नामुकम्मल है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आप रेसिपी स्टार्ट करूँ, आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, मैंने प्याज छील के रख ली है। अब इसके अंदर से इस तरह नोक छुरी की नोक के साथ हम ये अंदर से निकाल लेंगे इसका। आप लोग कोशिश कीजिएगा प्याज जितने छोटे हों उतना ही अच्छा है, छोटे छोटे प्याज इसमें अच्छे लगते हैं। चलें जी, बाकियों का तकरीबन निकला हुआ था पहले से ही। और इसके साथ ही ये हरी मिर्चें हैं, इसको यूं इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे। पूरा कट लगाना चाहें तो पूरा लगा लें, हाफ कर लें दरमियान से। बहुत ही मज़े की ये सिरके वाली प्याज बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने गर्मियों सर्दियों में आप इसको प्याज का अचार भी कह सकते हैं, सिरके वाला, और सैलड भी है एक तरह से। इसको कट लगा लिया है। एक ऑप्शन ये है कि आप इसको बड़ी प्याज अगर आपके पास है, छोटी नहीं है, तो आप इस तरह उसके रिंग्स बना लें इस तरह से, तो ये रिंग्स भी अच्छे लगते हैं उसमें और आपको प्याज काटने में आसानी होगी। ये मैंने रिंग्स भी बना ली, एक ऑप्शन ये है। और इसके अलावा ये छोटी प्याज है, इसको हम इस तरह से हल्का हल्का ऑपोजिट कट लगा लेंगे। चलिए, इनको सबको मैंने कट लगा लिया है। अब आपको एक इस तरह का शीशे का जार चाहिए, इसमें हम इस तरह से अपनी प्याज डालेंगे सारी। और साथ में ये हरी मिर्चें भी हैं, ये भी इसमें डाल दें। एक इस तरह की प्याज इसमें चले गए। अब ये जो रिंग्स हैं वो मैं एक में डाल दूंगी। रिंग से ये होता है कि आपको बार बार बाहर निकाल के काटना नहीं पड़ेगा और रिंग्स हैं वो आसानी से अंदर जाके इसके खुल जाएंगे। ये देखें, चलें अब एक से दो मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगी। दोनों जार्स में मैं थोड़ा थोड़ा नमक डाल दूंगी। अब बारी है सिरका डालने की। तो सिरका आपने इसमें इतना डालना है कि ये जो आपकी प्याज है उसके अंदर डूब जाए अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको कलर देने के लिए इसमें चिकंदर भी डाल सकते हैं, किसी भी आप सब्जी का इसमें डाल लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। अपनी खाने की टेबल पे रखें और हर खाने के साथ सर्व करें। चलें, ये अच्छी तरह से मैं प्याज डूब गए हैं, अच्छी तरह से अंदर डिप कर दूँगी। आप इस सैलेड को या अचार कह सकते हैं आप इसको, आप फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए आसानी से रख सकते हैं। और जब आपका ये इसमें से अनियन ख़त्म हो जाए तो आप इसी सिरके में और अनियन डालें और इस तरह से 2 से 3 महीने आपके आसानी से चले जाएंगे। तो अब हम इसको बंद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, झटपट और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।